कांग्रेस नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने भाजपा पर तीखा व्यंग करते हुए कहा कि भाजपा ने 3 साल केवल नाटी ही डाली है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि भाजपा के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक, सभी को नाटी डालने की आदत पड़ चुकी है। यही वजह रही कि भाजपा जब प्रदेश में अपनी सफलताओं के 3 वर्ष मना रही थी, रक्षा मंत्री सभी कार्यकर्ताओं में अपने भाषण से जोश भरने का प्रयास कर रहे थे, तब सोलन भाजपा मंडल के नेता उनको खामोश कर अपनी आदत से मजबूर होकर नाटियां डालने में व्यस्त थे। कोई सीटियां बजा रहा था तो कोई मस्त होकर नाच रहा था। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखे हुए थे, अगर मौका मिलता तो शायद वे भी उनका जरूर साथ देते। कांग्रेस नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि भाजपा जब 3 वर्ष के कार्यकाल का सोलन में कार्यक्रम चल रहा था, उसके वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी को संबोधित कर रहे थे, तब भाजपा सोलन मंडल के जिम्मेवार नेता उनकी आवाज को म्यूट कर नाटियां डाल रहे थे। इसमें इन जिम्मेवार नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाजपा के सभी नेताओं को नाटी डालने की आदत सी पड़ चुकी है। 3 वर्ष भाजपा ने अपने कार्यकाल में नाटियां डालने के अलावा कुछ नहीं किया है और नाटियां डालने में ही व्यस्त रहे हैं, इसलिए वे सभी कार्यक्रमों में नाटी को ही सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, जो सोलन में ये जो जब वो प्रोग्राम चल रहा था और जिस ढंग से नाटी डाली गई, वो सारे अच्छे यहाँ के वरिष्ठ बीजेपी के नेतागण और नेत्री थी, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो ये बताना चाह रहे थे कि 3 साल में हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या है, और उन्होंने ये बता दिया उस प्रोग्राम को म्यूट करके रक्षा मंत्री जी के और नाटी करके कि 3 साल में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ नाटी नाटी और नाटी ही हुई है। तो 3 साल में हिमाचल प्रदेश में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ नाटी 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 या यू टर्न हुआ है, यही हिमाचल के 3 साल के बीजेपी सरकार की कहानी। मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं वो नाटी डालना, खैर नाटी हमारी एक परंपरा है, पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अगर नाटी ही होती रहती तो इतना विकास ना होता जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने भी करना शुरू कर दिया, तो उनको कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिए, और वो ये मान रहे हैं कि बस नाटी हो रही है और नाटी जारी रखेंगे।